उत्तराखंड राज्य के युवाओं ने बीते कुछ वक्त में अपनी खेल प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित किया। राज्य की इन्हीं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट कॉलेज की घोषणा की थी। वहीं अब चंपावत जिले के लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस कॉलेज की आधारशिला भी रखने वाले हैं। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज की तरह ही इस बालिका स्पोर्ट कॉलेज का भी निर्माण करवाया जाएगा और यह स्पोर्ट कॉलेज आवासीय होगा, जहाँ बालिकाओं को पढ़ने खेलने के साथ ही आवास की सुविधा भी मिलेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमने ये देखा है कि बालिकाओं का एक भी स्पोर्ट्स कॉलेज जो है पूरे अपने उत्तराखंड में विद्यमान नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और उसे एक घोषणा के रूप में कि बालिकाओं का भी स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, उस रूप में उनकी घोषणा की गई। और मुझे कहते हुए और आप सबको बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि अपने प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वह लोहाघाट में बनेगा। लोहाघाट में भूमि का हस्तांतरण की कार्रवाई भी होगी है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के तर्ज पे ही बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जो बालिकाएं खेल की प्रतिभा रखती हैं उनके लिए खेलना कूदना और पढ़ना लिखना दोनों एक साथ पर एक प्लेटफॉर्म पर संभव हो सके, उसी की परिकल्पना है गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज। तो आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेते हुए भूमि पूजन लोहाघाट में करते हुए बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को जो है वो शुभारम्भ किया जाएगा।